हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मैथ। आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे, क्लॉक। गाइस वेरी इजी टॉपिक, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। आज मैं अपने वीडियो में सारे पैटर्न्स कवर करूंगी क्लॉक के, वो डायरेक्शन हो, ओवरलैपिंग, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स, डिस्टेंस, क्लॉक का वो स्लो चलना, फास्ट चलना, ऐसे सारे पैटर्न्स मैं कवर करने वाली हूँ गाइज इस पर। और भी ज़्यादा मैंने सारे इसमें मैंशन नहीं किया है। ओके, तो मैं सब पैटर्न्स के एक दो क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँगी, इसलिए मे बी शायद थोड़ा लंबा बन सकता है। ओके, तो फिर गाइज आप इसको एंड तक देखिए ताकि आपको इसके सारे कंसेप्ट समझ में आए। गाइज ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। ओके, बेसिक में क्या पढ़ेंगे, हमें क्या पता है कि एक होता है शॉर्ट हैंड और एक होता है क्या लॉन्ग हैंड। पता है हमें, एक शॉर्ट हैंड होता है, एक लॉन्ग हैंड होता है। लॉन्ग हैंड को हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड, और शॉर्ट हैंड को हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड। क्लियर है, इतना सभी को मालूम है ना गाइज, आवर हैंड बोलते हैं। ओके तो अब हम इसी के बेसिस पे चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे मिनट हैंड के बारे में देख रही हूँ। मिनट हैंड को हम क्या बोलते हैं और लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं। मिनट की सुइयाँ है ये। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। मिनट जो है ये मिनट हैंड यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वापस अपने जगह पे आने के लिए उसको पूरा 360 डिग्री कवर करना पड़ता है। और वो कितने टाइम पे कवर करती है, वो कवर करती है 1 आवर में। मिनट हैंड जब पूरा एक राउंड मारती है तभी 1 आवर कंप्लीट होता है। क्लियर है गाइस, तो 1 आवर में वो कितना कवर करती है, 360 डिग्री कवर करती है। ओके, तो 1 आवर में ये मिनट हैंड कवर कर रही है। अब अगर मैं लूं आवर हैंड ले लेती हूँ, है ना। आवर हैंड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। आवर हैंड यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए, 360 डिग्री कवर करने के लिए आवर हैंड धीरे धीरे चलता है। ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे करते करते ये 12 आवर्स में कितना कवर कर रहा है गाइस, 360 डिग्री कवर कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। 1 आवर में जब मिनट हैंड 360 डिग्री कवर कर रहा है तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर कर रहा है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आवर मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। इसके बेसिस पे मैं लिख सकती हूँ 1 मिनट में 360 डिवाइड बाय 60, 1 मिनट में कवर करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 6। मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, कितना एंगल कवर करेगा, 6 डिग्री कवर करेगा। क्लियर है गाइस, ये हो गया मिनट हैंड के लिए। ओके, अब आवर हैंड के लिए देखते हैं। आवर हैंड के लिए समझते हैं, 12 आवर्स में जब वो 360 डिग्री कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 360 डिवाइड बाय 12, 12 1s are 12 3s and 0, दैट बिकम्स 1 आवर में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, 30 डिग्री कवर कर रहा है। मतलब 1 आवर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में 30 डिग्री। हर एक नंबर के बीच का जो एरिया है वो कितना डिग्री होगा, यहाँ से ऐसे अगर हम देखें तो ये कितने डिग्रीज होंगे, 30 डिग्रीज होंगे। क्लियर है गाइस, अगर मैं यही आवर हैंड को और एलिबरेट करूँ तो 1 आवर की जगह मैं अगर लिख दूँ 60 मिनट, 60 मिनट में मतलब वो कितना कवर कर रहा है, 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, आवर हैंड की बात चल रही है गाइस यहाँ पे, है ना। 1 मिनट में कवर करेगा हाफ डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर कर लिया, हाफ डिग्री। क्लियर है, तो हमें 3 बॉक्सिंग मिल गई और यही 3 बॉक्सिंग हमें लर्न करना है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री, एंड 1 मिनट जो इतना सा पोर्शन है आवर हैंड वो कितना कवर करता है, हाफ डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं हम ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, कोइंसाइड भी बोलते हैं। और ओवरलैपिंग एंड ऑपोजिट दोनों किस पे आता है, स्ट्रेट लाइन पे आता है। ओके, तो देखिए क्या होता है। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक होना, ये आवर हैंड है और सपोज दिस इज मिनट हैंड, एक के ऊपर एक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। उसी को गाइस हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड भी बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि 1 आवर में, सिर्फ 1 घंटे में कितने बार ऐसे ओवरलैप होंगे दोनों कांटे, ठीक है, बोथ हैंड्स। किसके बारे में पढ़ रहे हैं गाइस, हम पढ़ रहे हैं आवर हैंड एंड मिनट हैंड, है ना। मिनट हैंड एंड आवर हैंड 1 आवर में कितने बार ओवरलैप करेंगे, तो 1 आवर में सिर्फ 1 बार ओवरलैप करेंगे, 1 टाइम। ओके, 1 आवर में 1 बार ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओके, और 12 आवर्स में गाइज ये करेंगे 11 टाइम्स। 12 आवर्स में ये करते हैं 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में ये करते हैं 22 टाइम्स। गाइज ये लर्न करके रखने की चीज़ भी है तो ये हो गया ओवरलैपिंग का। ऑपोजिट क्या होता है? अब अगर मैं देखूं ऑपोजिट, ऑपोजिट भी किस में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। ओवरलैप भी स्ट्रेट लाइन में इसलिए आया क्योंकि वो स्ट्रेट है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं बन रहा है कुछ भी, वो स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। ओके, ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट होता है जब वो 180 डिग्री बनाए आपस में। ओके, 180 डिग्री बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट बोलते हैं, ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर गाइस आपको स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो वो ओवरलैपिंग भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन बोला है तो आप समझ जाइए ये कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर है गाइस? तो 180 डिग्री बनाता है जब ऑपोजिट होता है, तो उसमें भी क्या होता है? वन टाइम 1 आवर में बनता है, 1 घंटे में सिर्फ 1 बार बनेगा, 12 आवर्स में 11 टाइम्स और 24 आवर्स में 22 टाइम्स। क्लियर है? ये होता है 180 डिग्री। और राइट एंगल, राइट एंगल गाइस 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 टाइम्स इन 1 आवर। तो 12 आवर्स में कितने बार बनेगा? 12 आवर्स में बनेगा 11 टाइम्स बनता था तो 22 टाइम्स बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 22 टाइम्स 44 आवर्स में बनते थे सब, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 44 टाइम्स बनेगा। क्लियर है गाइस? तो ये है लर्न करने के लिए आपके लिए कि कौन सी चीज कब कैसे बनेगी, 1 घंटे में कितने बार, 12 आवर्स में कितने बार, 24 आवर्स में कितने बार। ओके, तो ये लर्न करिए। इस फॉर्मूला के बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है? थीटा इक्वल्स टू 60h - 11m/2। ओके गाइस, तो ये कब करते हैं? जब हमें एंगल पूछा जाता है दोनों हैंड्स के बीच में। सपोज आपको टाइमिंग दिया हुआ है 2:20। ओके, 2 hours and 20 minutes. This is hour and this is minute. Okay, तो h denoted as hour and m denoted as minute. तो angle निकालना है theta equals to 60h - 11m/2, है ना? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फॉर्मूले पे h और m की वैल्यू पुट कर देते हैं। h कितना है हमारे पास? h है 2 और m कितना है हमारे पास? m है 20 डिवाइड बाय 2। तो हम इसे सॉल्व करें तो कितना होगा? 120 - 220 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? -100 डिवाइड बाय 2, दैट बिकम्स -50 डिग्री। तो गाइस नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करिए, आंसर कितना आ गया आपका? 50 डिग्री। दैट्स अवर आंसर। क्लियर है गाइस? सिर्फ इस फॉर्मूले से आप कैसे भी एंगल्स निकाल सकते हैं गाइस। अगर आपको कोई और टाइमिंग दिया हुआ है, सपोज आपको टाइमिंग दे दे, अगर आपको, मैं कौन सा टाइमिंग ले लूँ सोच रही हूँ, रुकिए। अगर हम टाइम ले लेते हैं 4:30, ओके, तो चलिए हम 4:30 ले लेते हैं, 4:30। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दूं, 60 into hour है 4 माइनस 11 इंटू 30 है मिनट डिवाइड बाय 2। ओके, तो चलो ये कर लेते हैं, 240 - 330 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये हो गया 90 डिवाइड बाय 2, दैट बिकम्स 45 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 430 है ना गाइस, तो 430 मतलब 4 यहाँ पे आएगा और 30 यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। गाइस हमें पता है कि इतना एंगल ही कितना होता है? 30 डिग्री होता है, तो इससे थोड़ा सा आगे होगा तो वो 30 से ज्यादा ही होगा, है ना? तो दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है गाइस? तो ऐसे ही एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे। आगे दूसरे पैटर्न्स देखते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोल रहा है? एट व्हाट टाइम मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मीट। मीट मतलब क्या होगा? अगर मेरा आवर हैंड यहाँ है और मिनट हैंड घूमते 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 वापस यहाँ आएगा, तभी वो मिलेंगे आपस में। मतलब का केस बोल रहा है, ये केस बोल रहा है ओवरलैपिंग का। क्लियर गाइस? ये ओवरलैपिंग का केस बोल रहा है, मतलब डिग्री कितनी होती है उसमें? उनके बीच में कोई भी वो नहीं होता, डिग्री नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है वो, है ना? तो कितनी डिग्री होती है? 0 डिग्री होती है ना गाइस? तो फिर क्या ओवरलैपिंग में 0 डिग्री होती है? हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं सब जगह पे, हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करके गाइस आंसर ला सकते हैं। ओके, तो 11m/2। तो डिग्री हमें पता चल गया, ओवरलैप कर रही है तो डिग्री कितना हो गया है? 0 डिग्री। तो हमें थीटा पता है कितना है? 0। तो 60h - 11m/2 = 0, ये हमें मिल गया। अब क्या बोल रहा है? किसके बीच में बोल रहा है? 4 और 5 के बीच में बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में ही वो दोनों आपस में मीट करेंगे। मतलब 4 बज के कुछ मिनट बाद ही, मिनट हैंड कहीं पे भी हो सकता है, ओके, 4 बज के कुछ मिनट बाद ही वो दोनों आपस में ओवरलैप आएंगे, है ना? 4 तो अगर यहाँ ऐसे बज रहा है, यहाँ मिनट हैंड है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड है, आवर हैंड है, तो ये मिल तो ना रहे। जब ये ऐसा कुछ आएगा मतलब 4 बज के ये आवर हैंड इधर कुछ खसकेगा, मिनट हैंड इसके ऊपर आएगा, तभी कुछ होगा। मतलब आवर्स हैंड में हम किसको लेते हैं? फर्स्ट वाले को लेते हैं। क्लियर है गाइस? अगर कोई बिटवीन बोल रहा है तो हम किसको कंसिडर करेंगे? 4 को कंसिडर करेंगे। ओके, अगर 4 और 5 दिए तो 4 को करते, 5 और 6 दिया होता तो 5 को करते, जो पहले दिया रहेगा उसको हम करेंगे। ओके, तो कितना हो गया हमारे पास? h की वैल्यू कितनी होगी? 4। m निकालनी है हमें कि कितने मिनट बाद, कितने टाइम के बाद वो ओवरलैप करेंगे 4 और 5 के बीच में, है ना गाइस? तो चलो h m निकालना है। थीटा तो हमें पता ही चल गया है 0, तो कितना हो जाएगा 60। h कितना है हमारे पास? h है हमारे पास 4 - 11m इक्वल्स टू 0 × 2 इज 0। कोई डाउट नहीं है। तो 11m इक्वल्स टू 6 × 4 = 24 एंड 240। m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 240 / 11 दैट बिकम्स 2 1 and 9/11। दिस इज मिनट। तो मतलब हमारा टाइम कितना लिख सकते हैं हम? टाइम लिखेंगे 4 hours 21 9/11 मिनट के बाद वो क्या करेंगे? दे मीट। ओके, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है गाइस कि इतने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे। गाइस चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 द हैंड्स मेक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल। एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन बोल दिया। अगर गाइस यहाँ पे 180 डिग्री नहीं देता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जनरली आप 180 डिग्री ही लेंगे स्ट्रेट लाइन को। ओके, तो 180 डिग्री बोल रहा है। अगर अपोजिट स्ट्रेट लाइन दिया रहता तो आपके लिए इजी हो जाता, है ना? अपोजिट स्ट्रेट लाइन दैट मींस 180 डिग्री ओनली। तो गाइज यहाँ पे हमें थीटा कितना गिवन है? 180 डिग्री, है ना? यहाँ पे h कितना है हमारे पास? 2, क्योंकि मैंने क्या बताया पहले वाले आवो को हमें कंसिडर करना है। हमें मिनट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पता करना है कि टाइम में कितने टाइम के बाद, 2 बज के कितने टाइम के बाद ये आपस में क्या होंगे? ऑपोजिट आएंगे। आवर हैंड अगर यहाँ है तो मिनट हैंड ऐसे आएगा, अपोजिट आएगा। क्लियर है? तो हम ये फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू 60h - 11m / 2। थीटा कितना मिल गया हमें? 180 डिग्री इक्वल्स टू 60h हमारे पास है 20 - 11m / 2। क्लियर है? 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 120 - 11m। कोई डाउट नहीं है गाइस। अब मैं इधर लेके चली जाऊंगी 11m को, और यहाँ पे 120 - 360 आ गया तो इट बिकम्स हाउ मच? -240। गाइस मैंने बताया कि माइनस साइन को आप इग्नोर करिए, माइनस साइन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो कितना हो गया ये 11m इक्वल्स टू कितना हो गया? 240। So m equals to how much? 240 / 11. That becomes 21 9/11. Okay, this is in a minute. ये मिनट आया है, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ जाएगा 2 hour 21 9/11 minutes के बाद वो क्या होंगे? आपस में स्ट्रेट लाइन में आएंगे, ये 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर है गाइस? दैट्स आवर आंसर। ओके, हमने पढ़ा कि 1 घंटे में 90 डिग्री एंगल कितने बार बनता है? 2 बार बनता है, है ना? हमने ये पढ़ लिया है पहले। तो अब यहाँ पे भी हमें जो टाइम मिलेगा ना वो भी 2 टाइम मिलेगा, क्योंकि 4 से 5 के बीच में बोल रहा है ना? और 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कितने बार बन जाएगा? 2 बार। तो वो 2 बार भी हम इसी फॉर्मूले से लाएंगे, लेकिन कैसे वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओके, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 से 5 4 to 5 बोथ हैंड्स हैविंग 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल कितने बार बनेगा, कितने टाइम पे मिलेगा हमें 4 से 5 के बीच में? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, पहले सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा 60h - 11m / 2। ओके, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा 11m - 60h / 2। जब मिनट हैंड आगे रहे और जब मिनट हैंड पीछे रहे, ठीक है? जब मिनट हैंड पीछे रहे और जब मिनट हैंड आगे रहे, बस ये चेंज है इस फॉर्मूलेज में। ठीक है? और इससे हमको 2 आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं। हमें कितना पता है एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना? हमें 2 टाइम चाहिए गाइस। यहाँ पे दो बार 90 डिग्री बनता है ना 1 घंटे में, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आवर के लिए हम क्या लेंगे? 4 दोनों जगह पे -11m / 2। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 11m - 60 × 4 / 2। क्लियर है? कितना हो गया ये? 240 - 11m और इधर ये 90 × 2 कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 11m माइनस 240। गाइज यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि कुछ ऐड होगा कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 11m इक्वल्स टू 240 माइनस 180 हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है 11m इक्वल्स टू 180 प्लस 240 हो रहा है। ये माइनस साइन उधर जाके प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0, 12, 3, 4, 4, 4, ओके 420। 11m इक्वल्स टू 420 और ये वाला कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 60 इक्वल्स टू 11m। तो m कितना मिल जाएगा यहाँ से 60 डिवाइड बाय 11 और यहाँ से m कितना मिल जाएगा मुझे 420 डिवाइड बाय 11। तो इसे अगर मैं काटूं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ जाएगा 5 × 55 5/11। ये मिनट्स में आ गया, एक तो ये मिनट मिल गया। मतलब कितना था हमारे पास 4 ना, तो 4 आवर 5 × 11 मिनट्स पे एक बार ये 90 डिग्री बनाएगा, ओके। और यहाँ से कितना मिल रहा है हमें 11 × 3 = 33 33 तो फिर यहाँ पे कैरी गया और 11 × 8 = 88 फिर बचा 2/11। क्लियर है? ये भी क्या आया हमारे पास मिनट। तो और एक कब मिलेगा 4:38 2/11 मिनट्स पे हमें एक बार और क्या मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? तो 4:05 ये 4 जब बचता रहेगा और यहाँ पे 5 मिनट 5/11 के बीच में यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री मिलेगा। और वैसे 4 इधर थोड़ा आ जाएगा नीचे और ये 35 के बाद यहाँ पे 38 इधर कहीं पे हमें एक 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ एक ही फॉर्मूले से लगा रही हूँ, है ना। तो ये भी इसी फॉर्मूले से लगेगा। क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 minutes अपार्ट। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो एक दूसरे से कितने मिनट दूर रहेंगे 3 मिनट दूर रहेंगे। 3 मिनट से हमें तो डिग्री पता नहीं है, मिनट्स पता नहीं है और हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ इतना सा है ना, फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो मिनट नहीं पता, डिग्री नहीं पता, हम कैसे करें? अब हमें क्या पता है, एक और चीज भी तो पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है 6 डिग्री चलती है। कौन? मिनट हैंड। अगर वो 5 और 6 के बीच में बोल रहा है ना गाइस, अगर वो 5 और 6 के बीच में बोल रहा है तो आवर हैंड तो वहीं पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? 5 के आसपास ही रहेगा आवर हैंड। चलो मैं यहाँ पे 5 के पास रखती हूँ, ठीक है, ये आवर हैंड। लेकिन चेंज कौन सा होगा तुरंत तुरंत? चेंज कौन सा होगा? मिनट हैंड होगा। मिनट हैंड होगा इधर कहीं पे जहाँ पे हमें 3 मिनट का डिफरेंस मिलेगा, है ना। पहले 3 मिनट या तो फिर बाद में 3 मिनट या तो फिर पहले के 3 मिनट, इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 मिनट का ही डिफरेंस बता रहा है हमें। क्लियर है? तो हमें पहले का भी देखना है और बाद का भी देखना है। तो वही हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करके भी वो फॉर्मूला बनाएंगे, ओके। तो पहले एक तो देख लेते हैं, 1 मिनट में जब 6 डिग्री चल रहा है तो 3 मिनट का डिस्टेंस दिया है तो कितना डिग्री चलेगा वो 18 डिग्री चलेगा। तो हमें डिग्री कितना मिल गया, एंगल कितना मिल गया 18 डिग्री मिल गया। क्लियर है? और 60 आवर क्या लेंगे हम 5 मिनट हमें निकालना है कि कितने मिनट में रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 300 माइनस 11m। कोई डाउट है गाइस यहाँ पे? मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी, है ना। तो फिर अब मैं इसको अगर चेंज करूँ तो 11m इक्वल्स टू 300 माइनस 36 वॉट इट बिकम, ये हो जाएगा 264। दिस इज 11m। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 264 डिवाइड बाय 11 दैट मींस 2 × 22 एंड गया 4 × 4, ठीक है 24 हो गया। तो मिनट कितना आ गया, ये आ गया 24 मिनट। मतलब हमारे पास एक आंसर क्या आ गया 5:24 में। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ इसे 5:24 करूँ, देखते हैं 5:24 ये 5 बजा और 24 मिनट मतलब ये 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये 24। लेकिन ये नीचे आया तो ये आवर हैंड भी तो थोड़ा सा नीचे ही रहेगा ना गाइस, इसीलिए ये डायरेक्टली 5 में ना लेके हम ये क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा गाइस वो कितने मिनट का है 3 मिनट का रहेगा। क्लियर है? तो 5:24 एक टाइम हुआ जो कि 5 आवर हैंड के पीछे तरफ हुआ। अब आगे तरफ के लिए भी तो चाहिए ना, तो एक और फॉर्मूला लगा लें हम 11m माइनस 60h डिवाइड बाय 2, है ना। हमें थीटा पता है, थीटा कितना हमारे पास 18 इक्वल्स टू 11m आवर कितना है हमारे पास, आवर हमारे पास 5 डिवाइड बाय 2, दिस बिकम 36 इक्वल्स टू 11m माइनस 16 into 5 इज 300. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा 11m इक्वल्स टू 300 प्लस 36. क्लियर. व्हाट इट बिकम 336 और ये कितना है 11m. तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 336 डिवाइड बाय 11, दैट नथिंग बट बिकम कितने जा 3 जा 33. ओके 33 एंड 0 जा बचा कितना 6/11. ये भी एक मिनट हुआ है ना. तो दूसरा आंसर हमारे पास कितना आ गया 5:36/11 मिनट पे. एक बार और कितने मिनट्स दूर रहेंगे, मिनट हैंड एंड आवर हैंड 3 मिनट्स दूर रहेंगे. ये दो गाइस हमारे आंसर्स होंगे. इन दोनों में से अगर आपके पास ऑप्शन नंबर ए गिवन है तो ये गिवन है तो ये टिक करिए, ये गिवन है तो ये टिक करिए. अगर आपको एक और सी ऑप्शन गिवन है कि ए एंड बी बोथ, तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक करिए. ये दोनों क्योंकि हमारे करेक्ट आंसर होंगे. वैसे तो मैंने मिरर इमेज और वाटर इमेज के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी. आप प्रॉपरली क्लॉक का सेक्शन वहां से भी पढ़ सकते हैं, वाटर इमेज मिरर इमेज में. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से थ्रू आउट बता देती हूँ. मिरर इमेज में गाइज हमें कुछ नहीं, जो भी टाइम दिया होता है ना उसे 23:60 से या तो फिर 11:60 से माइनस करना होता है. इन दोनों में से कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं. ओके, और मैंने इसे प्रॉपर वे में बताया गाइस वहाँ पे, तो आप वहाँ से देखिए, आप रेफर करिए, आपको इजी पड़ेगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4:44 दिया हुआ है और बोल रहा है व्हाट टाइम इट शोज इन अ मिरर व्हेन इट इज, घड़ी में बज रहा है 4:44 मिनट. ओके, ऐसा कुछ बज रहा है. तो मिरर पे वो क्या शो करेगा, मिरर यहाँ साइड वाइज हमेशा कंसिडर करते हैं. अगर हमें मिरर नहीं गिवन है कि मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, तो हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, साइड वाइज कंसिडर करते हैं. ओके, तो ये कुछ इधर आएगा और ये कुछ ऐसे आएगा. क्लियर है, इस टाइप का. लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि क्या टाइम आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, या तो इससे माइनस करते हैं या तो इससे. दोनों सेम ही है गाइस. 11 जब रात का 11 होगा तो 23 लिखते हैं, और 60 12 को हम यही लिख रहे हैं 11:60, क्योंकि 60 मिनट बन के भी एक क्या होता है 1 आवर होता है. और 11 आवर कितना हो गया 1 आवर, 11 आवर इज 12 आवर. ये 12 आवर के लिए हो गया, ये 24 आवर्स के लिए हो गया. ओके, तो देखिए 4:44 दिया हुआ है, मैं 11:60 से माइनस कर लेती हूँ 4:44. ओके, माइनस करूंगी तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मिरर इमेज. माइनस कर लो तो यहाँ से 10 - 4 इज वॉट 6, और ये कितना हो गया 5 - 4 इज 1, और ये कितना हो जाएगा 11 - 4 इज हाउ मच 7. क्लियर है, तो कितना बचेगा ये, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी गाइज ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था, मतलब ये आंसर हमारा कितना आएगा 7:16 इज अवर आंसर. अगर मैं इसको वही 23:60 से माइनस करके देखूं 4:44 को, तो आंसर वही आएगा, बस देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा. ओके, तो ये 10 - 4 इज 6, अगेन ये 5 हो गया तो 5 - 1 इज 7 1, 5 - 4 इज 1, एंड ये कैरी ले लिया यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया. तो 13 - 4 इज हाउ मच, 13 - 4 इज 9. क्लियर है, 13 - 4 इज 9. तो 19 हम किसको बोलते हैं, अगर मैं ये 12 के वजह से काउंट करूँ तो ये 13 14 15 16 17 18 19. 19 किसको बोलते हैं हम, 7 को ही बोलते हैं. 7:16 ही हो रहा है, ऐसे भी 7:16 या 19:16 को हम सेम लिख सकते हैं गाइज. ऐसा ही है बस, इसलिए ये 23 और ये 11:60 है ना. ये 24 आवर्स के बेसिस पे और ये 12 आवर्स के बेसिस पे. मिरर इमेज में हमने किससे माइनस किया था, हमने माइनस किया था 11:60 और 23:60 से, है ना. वाटर इमेज में कुछ नहीं, हमें 18:30 और किससे करना है 6:30 से माइनस करना है. ये वाटर इमेज के लिए हो जाता है. ओके, तो हम जल्दी से कर लेते हैं. वाटर इमेज में क्या है 4:20 दिया है, 4 गाइज इसको 4:40 कर लेते हैं, 4:40 कर लिया. ओके, 4:40 दिया हुआ है, तो अब इसका टाइम क्या शो होगा वाटर इमेज में. वाटर इमेज में गाइज इधर का जो चीज है ये ऊपर शो करेगा, है ना, और ये भी ऊपर शो करेगा. क्लियर है, तो हम अगर देखते हैं ऐसा कुछ बनना चाहिए हमारा क्लॉक. कितना है हमारे पास ये क्वेश्चन में 4:40 है. ओके, तो 4:40 है और हम इसे किससे माइनस करेंगे, 18:30 से माइनस कर लो या फिर 6:30 से माइनस कर लो. 4:40 है ना. तो अब मैं यहाँ से 0 - 0 तो हो गया, लेकिन 3 - 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा. ये तो आवर्स है और ये किस में, मिनट्स में. तो जब हम यहाँ से कैरी लेते हैं ना, तो ये पूरा 1 आवर कैरी देता है. मतलब क्या कैरी देता है, ये 60 मिनट्स कैरी देता है. है ना। तो पूरा 60 मिनट्स कैरी दिया, मतलब ये कितना हो गया 60 और ऐड हो गया, मतलब और ये 18 आवर्स से कितना आवर्स हो गया 17 आवर्स, 17 आवर्स और ये कितना हो गया 90 मिनट्स हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 4 आवर्स 40 मिनट्स को माइनस करना है। अब माइनस हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 90 माइनस 40 इज 50, 7 माइनस 4 इज 3, 13 50, मतलब 1:50 मिनट होगा। यहाँ पे आया था हमारा, और यहाँ पे 2 और 1 के बीच में ही होता, 1 और 2 के बीच में 1:50 मिनट। क्लियर है गाइस, तो ये हमारा आंसर है। वैसे अगर मैं 6:30 से माइनस करती, इसे मैं अब माइनस करके देखती हूँ 6:30 से, 6:30 से माइनस करती 4:40, तो 30 में से 40 तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी दिए, तो और ये आवर्स में था तो 1 आवर कैरी गया इससे, मतलब कितने मिनट्स गए 60 मिनट्स गए, और ये 1 आवर घट गया तो 5 हो गया, तो ये कितना बच गया अपने आप में 5 आवर्स, और ये 1 आवर गया और 60 मिनट्स हो गया, तो 30 और 60 कितना हो गया 90 मिनट्स हो गए। और माइनस कितना करना है हमें 440, तो माइनस कर लो ये 50 और ये 5 माइनस 1 इज 1, आंसर आ गया 150 डायरेक्टली। यहाँ पे हमारा 1350 आ रहा था, 13 मतलब ही 1 होता है, और ये 150, दिस इज आवर आंसर गाइज। दिस इज वाटर इमेज, मैंने वाटर इमेज का भी वीडियो अपलोड किया गाइज, उसमें मैंने क्लॉक सेक्शन भी अच्छे से समझाया है, आप उस पर एक बार जाके विजिट जरूर करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ओके, डायरेक्शन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द मिनट हैंड इज इन वेस्ट डायरेक्शन, मिनट हैंड किस में बोल रहा है वेस्ट डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 8:50। अगर टाइम कितना हो रहा है 8:50 हो रहा है, 8:50 मतलब 8 और 9 के बीच में, ये होगा आवर हैंड का डायरेक्शन, है ना। और मिनट हैंड किस में होगा, इसमें होगा। अब क्या बोला है, अब बोला है कि मिनट हैंड किस में है वेस्ट में है, मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है गाइस, वेस्ट के जस्ट अपोजिट होता है ईस्ट। चले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पहले ईस्ट वेस्ट, ये भी बता देते हैं पहले। चलिए, तो ये क्या होता है, पहले होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो ये क्या है वेस्ट है, ये ईस्ट हो गया, इस पे परपेंडिकुलर ये गिरेगा यहाँ पे, तो पहले क्या आएगा नॉर्थ इधर, और यहाँ क्या आएगा साउथ। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड क्या है हमारा ये है, और आवर हैंड का डायरेक्शन क्या होगा वेस्ट और साउथ दोनों के बीच में, मतलब क्या हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है गाइस। गाइस यहाँ पे जो होते हैं डायरेक्शन, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मतलब कहीं पे भी, नॉर्थ और ईस्ट से अगर थोड़ा सा भी ऊपर है, नॉर्थ से थोड़ा सा भी इधर है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, वैसे ये क्या आएगा साउथ ईस्ट, ये आएगा साउथ वेस्ट, और ये आएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है गाइस, ये होते हैं डायरेक्शंस गाइस, ये 8 डायरेक्शन होते हैं मेन डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होते हैं, और ये सब डायरेक्शंस होते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा आंसर क्या आ गया साउथ वेस्ट आ गया। वेरी इजी गाइस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, इफ द आवर हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 4:10, 4:10 ना गाइस, तो ये 4 यहाँ पे बजा और 10 बज रहा है, 10 मिनट यहाँ पे होता है ना, 4:10 होगा गाइस कुछ ऐसा ही। ओके, तो क्या बोल रहा है इस पे, ईस्ट डायरेक्शन में किसे दे रहा है, ये आवर हैंड को ना, ये आवर हैंड है, और ये कहाँ दे रहा है हमें ईस्ट डायरेक्शन, तो ये आवर हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा होगा, इस तरफ कौन सा होगा वेस्ट डायरेक्शन होगा। अगर मैं यहीं से परपेंडिकुलर डालूं तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसा जाएगा, है ना, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये कौन सा साउथ डायरेक्शन। तो ये मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में, यही पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मिनट हैंड। मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस नॉर्थ और ईस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या होगा इसका नॉर्थ ईस्ट इज आवर आंसर। हम देखने जा रहे हैं गेन एंड लूज, मतलब क्या हुआ गेन एंड लूज, दैट मीन्स नथिंग। गेन तो हम बोलेंगे फास्ट, और लूज बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे स्लो, ठीक है। तो हमारा वॉच कितना गेन फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे अभी। अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट, क्या बोल रहा है 5 सेकेंड बढ़ता है हर 3 मिनट में, जैसे ही 3 मिनट होता है फिर से 5 सेकेंड ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है, मतलब 3 मिनट की जगह वो 3 मिनट 5 सेकेंड हो जाता है, जो 3 मिनट टाइम होना चाहिए 3 मिनट 5 सेकेंड, फिर 6 मिनट में आता है तो 6 मिनट 10 सेकेंड, 5 मिनट बढ़ रहा है ना, करेक्ट है गाइस। तो फिर वैसे ही बोल रहा है 5 सेकेंड बढ़ रहा है कितने में 3 मिनट में, एंड वो सेट राइट एट 8 AM, मैंने सुबह के 8 AM में मतलब 8 AM को मैंने अपना वॉच करेक्ट कर दिया और फिर रात को 10 बजे देखा तो ये पूछ रही मैं कि 10 बजे कितना टाइम बताएगा अगर वो ऐसे फास्ट चल रहा है तो। ये फास्ट चल रहा है इस हिसाब से और मैंने सुबह 8 बजे टाइम सेट कर दिया तो अब मैं पूछ रही हूँ कि 10 बजे वो कितना टाइम शो करेगा। ओके तो गाइज बताना क्या है, हमें ये करना है। ठीक है, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कितना आवर्स हो गया? 14 आवर्स। और ये किस में दिया है? मिनट में। तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करें करते हैं तो इसको पहले 1 आवर बनाते हैं। 1 आवर बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? 60 मिनट्स करना पड़ेगा। और 60 मिनट्स करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 को 20 से। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। इधर 20 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी कर दो। 5 × 20 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा गाइज? 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड कितने मिनट के लिए हुआ? 60 मिनट्स के लिए। मतलब कितना है ये? 1 आवर है 60 मिनट मतलब। तो क्या हो गया? 1 आवर में 100 सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, 100 सेकेंड फास्ट चल रहा है। तो 14 आवर्स में कितना फास्ट चलेगा? 1400 सेकेंड फास्ट चलेगा। ओके 1400 सेकेंड फास्ट चलेगा। तो अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूँ? मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ। तो चलो 1400 डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं। 60 से डिवाइड कर रही हूँ मैं तो 62 जा हाउ मच? 120। क्लियर है? 120 कितना बच जाएगा यहाँ पे? ये 20 और ये 200। And 60 into 3 how much? 63 is 180. कितना बच गया यहाँ पे? 20 और ये क्रॉस। तो ये अब तो कैंसिल होगा नहीं। मतलब कितना मिल गया मुझे? ये मिनट मिल गया और ये रिमाइंडर वाला क्या मिल गया? सेकेंड। तो कितना मिल गया? ये 23 मिनट एंड 20 सेकेंड इतना टाइम मिल गया। ठीक है, किसके लिए? ये सिर्फ वो वाले टाइम है जो एक्स्ट्रा है, जो फास्ट चल रहे थे, है ना। तो मैं 10 बजे तो 10 बज तो जाएगा ही, है ना। अब ये फास्ट के कारण कितना हो रहा है? 23 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। दिस इज आवर राइट टाइम जो शो करेगा। राइट टाइम तो वैसे 10 बजे का था, है ना, लेकिन शो कितना करेगा वो, क्योंकि घड़ी हमारी फास्ट चल रही है। कितनी फास्ट? 5 सेकेंड पर 3 मिनट्स में, है ना, इतनी फास्ट चल रही थी। तो हमारा टाइम क्या शो करेगा? ये शो करेगा। क्लियर है गाइस? दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन देखते हैं क्लॉक के बेसिस पे। क्या बोल रहा है? अ क्लॉक इज फास्ट। नॉर्मली जो क्लॉक है वो फास्ट है। एट टुडे 2 PM द क्लॉक इट इज 5 मिनट स्लो। 2 बजे ये 5 मिनट स्लो थी, मतलब 155 दिखा रही होगी। ठीक है, मतलब 2 बजना था, जब 2 बजना था ये कितना दिखा रही थी? 5 मिनट कम स्लो दिखा रही थी। बट द सेम डे 5 PM मतलब 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। 5 बजे कितना दिखा रही है? 5:10 दिखा रही है, जबकि दिखाना कितना चाहिए था उसे? 5 दिखाना चाहिए था। 2 दिखाना था तो वो 155 दिखा रही थी। मतलब 2 बजे उसने दिखाया 5 मिनट कम और 5 बजे दिखाया उसने 5 मिनट ज्यादा। क्लियर है? एट वॉट टाइम द क्लॉक वॉज शोड द करेक्ट टाइम। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्लॉक करेक्ट टाइम कब शो करेगी। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो पहले ये देख लेते हैं। 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 1 घंटा और ये 1 घंटा। तो 1, 1 एंड 1 कितने आवर्स हो गए टोटल? टोटल आवर्स हो गए 3 आवर्स। जब वो 3 आवर्स में कितना टाइम गेन कर रही है, कितना टाइम एक्स्ट्रा कर रही है? मतलब यहाँ से 2 बजने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा और 5 बजने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा। टोटल कितना हो गया? 15 मिनट एक्स्ट्रा शो कर रही है। तो 3 घंटे में वो कितने मिनट एक्स्ट्रा जा रही है? 15 मिनट। तो 1 आवर्स में कितने मिनट एक्स्ट्रा जाएगी वो? डिवाइड बाय 3 कर लो। 3 × 1 = 5 जा। तो 1 आवर में वो कितने मिनट एक्स्ट्रा गई? 5 मिनट एक्स्ट्रा गई। क्लियर है गाइस? मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है 1 आवर में, है ना। तो यहाँ पे तो 2 बज गए। अब 2 बजे के टाइम पे ये आ गया तो यहाँ पे 5 मिनट गई एक्स्ट्रा, 2 बज गए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बजने के बाद 2 से 3 बजने के लिए ये पहले 5 मिनट पीछे चल रही है। मतलब 2 बजे के टाइम पे 155 है तो 1 घंटे बाद कितना होगा? 255, है ना। लेकिन वो हर 1 घंटे में, ये 1 घंटा हुआ 1 आवर, 1 आवर में कितना गेन कर रही है? 5 मिनट। तो 5 मिनट और ऐड कर दो इसमें तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 3। तो ये तो करेक्ट टाइम आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 करेक्ट टाइम शो कर रही है। नेक्स्ट अगले आवर में ये 3 शो कर रही है तो अगले आवर में 5 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 4 बज के 5 मिनट शो करेगी। अगले आवर में क्या शो करना चाहिए था? 5:05, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा क्या शो कर रही है, 5:10। हमारे ये फुलफिल कर रहा है ना। तो इसने क्या पूछा था कि कब वो करेक्ट टाइम शो कर रही थी, कब करेक्ट टाइम शो कर रही थी, जब वो 3 बजा था तब, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही जब वो 5 मिनट एक्स्ट्रा करी, आगे बढ़ी 1 घंटे में, मतलब 1:55 था यहाँ पे, 1:55 से 1 घंटा गई तो क्या होना चाहिए था, 2:55। लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा वो लेती है, एक्स्ट्रा फास्ट चल रही है 5 मिनट 1 घंटे में, तो 2:55 की जगह वो कितना दिखा रही है, 3 बज रहा है। और करेक्ट टाइम हमारा क्या होना था उस टाइम पे, 3 ही होना था। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज 3। एट 3 दैट शोज द करेक्ट टाइम। क्लियर है गाइस? क्लॉक का ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं एंड करती हूँ, फिर रैप अप करूंगी। ओके तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्लॉक इज सेट टू करेक्ट टाइम एट मंडे 8 AM। मैंने क्या कर दिया, मंडे को 8 बजे सुबह, ठीक है, 8 AM में मैंने करेक्ट टाइम डाल दिया उस पर। इफ इट गेन्स 3 मिनट इन 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, 3 मिनट का गेन ले रही है एवरी 15 मिनट्स में, है ना। तो हमें गाइस पहले तो एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर कोई भी क्लॉक गेन में है, मतलब या फास्ट है, तो आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर गाइज, ओके, आफ्टर 12 आवर्स वो करेक्ट टाइम शो करती है। अगर स्लो है तो वो भी 12 आवर्स में ही करेक्ट टाइम शो करेगी। ओके गाइस, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 12 आवर्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर फास्ट है तो 12 आवर्स के बाद वो क्या करेगी, करेक्ट टाइम शो करती ही है ना। तो 12 आवर्स मतलब कितना हुआ, मिनट में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो 60 × 12 हो जाएगा, कितना, 720 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 720 मिनट्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो आवर्स शो करेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर मैं क्वेश्चन मार्क लेके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो गाइस, तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू 3 = 15 × 720। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर कितना हो जाएगा, 15 × 720 / 3। तो ये कैंसिल कर दो, 5 × 5 × ये इट बिकम्स 3600। ये किस में आएगा, इस मिनट में आया। इसको अगर मैं अब आवर में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाय 60 कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 60 आवर्स। मतलब मेरे को 60 आवर्स अपनी घड़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, करेक्ट टाइम मिलेगा। ओके तो यहाँ पे मंडे को कितने बजे है, सुबह 8 बजे, है ना। ट्यूसडे को सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएंगे। वेंसडे को भी सुबह 8 बजे तक जाना पड़ेगा मेरे को, 24 आवर्स। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 48 हो गए। बचे कितने हैं, और 12 आवर्स बचे हैं, है ना। मतलब हमें क्या कितना करना है, 60 आवर्स चाहिए पूरा आगे। तो वेंसडे को और कितना, 12 घंटे, 12 आवर्स। तो वेंसडे को ही रात को 8 बजे, मतलब 8 PM में हमें वो क्या करेगा, करेक्ट टाइम शो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेंसडे एट 8 PM आवर वॉच शोज द करेक्ट टाइम। ओके तब वो क्या करेगा, करेक्ट टाइम शो करेगा। क्लियर है गाइस? गाइस यहीं पे मैं अभी अपना ये एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे पैटर्न्स इस पे कवर कर दिए हैं, मैंने सारा करवा दिया है क्लॉक का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी आपको। आपके क्वेश्चन के आंसर जितने जल्दी हो सकेंगे मैं उसको अपलोड करूँगी, उसके ऊपर भी वीडियोज़। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो गाइज आप प्लीज़ वो भी कमेंट करिए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। और अगर गाइज मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।